Hello dear students, in the last class we have seen about the recombinant DNA technology, उसका introduction, what is the purpose of creating the recombinant DNA, ठीक है. आज हम देखेंगे about outline of recombinant DNA technology. जैसे अगर हमको recombinant DNA और chimeric DNA अगर बनाना है तो कैसे करेंगे. So there are basically four steps, ठीक है. First step is the generation of desired DNA fragment. जो भी हमको DNA of interest चाहिए, जिसके प्रोटीन का हमको एक्सप्रेशन चाहिए, फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट. वो हम फ्रैगमेंट को जनरेट करेंगे एंड सिलेक्ट करेंगे द डिजायर्ड पीस ऑफ DNA, ठीक है. नाउ द सेकेंड स्टेप विल बी इंसर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर DNA इनटू द क्लोनिंग वेक्टर, विच इज़ नथिंग बट द प्लाज्मिड DNA. अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे सो एज टू कट द DNA फ्रैगमेंट as well as or to generate the DNA fragment as well as to cut open the cloning vector that is plasmid, ठीक है. ये हम देखेंगे diagrammatic representation, but we'll see one by one. And the third step will be the introduction of recombinant DNA into the host cell. मतलब first step क्या करेंगे हम लोग, जो DNA fragment हमको, जो भी desired piece of interested DNA है जिसका हमको expression करना है protein का, उसको select करेंगे, जनरेट करेंगे. मतलब टोटल DNA में से दैट पर्टिकुलर DNA फ्रैगमेंट इज आइसोलेटेड और इट इज़ ट्रीटेड विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट इज़ यूज टू कट ओपन द प्लाज्मिड DNA. एंड देन थर्ड स्टेप इज हम इंट्रोड्यूस करेंगे दैट पर्टिकुलर DNA फ्रैगमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन टू द प्लाज्मिड. अब जो रिजल्टिंग DNA हमको मिलेगा दैट इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट DNA और काइमेरिक DNA. नेक्स्ट स्टेप इज ये रिकॉम्बिनेंट DNA को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इन टू द होस्ट सेल, फॉर एग्जाम्पल E. coli, एंड देन विल कल्टिवेट दैट पर्टिकुलर E. coli ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम. एंड जब ये E. coli मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करेंगे, तो जैसे जैसे उसके ये प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा सिमिलर विद दैट प्रोटीन ऑल्सो अवर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन विल बी एक्सप्रेस्ड. एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी सिलेक्शन ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट DNA एंड फाइनली एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट और DNA ऑफ इंटरेस्ट जो एक्सप्रेस होकर प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है. ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, दिस इज नथिंग बट द डोनर DNA, ठीक है. मतलब इसमें से हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है अवर डिजायर्ड पीस ऑफ DNA ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज नथिंग बट द प्लाज्मिड DNA. प्लाज्मिड इज नथिंग बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA. नाउ उसको हम ट्रीट करेंगे विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज फॉर बोथ, दैट इज डोनर DNA एज वेल एज द प्लाज्मिड DNA. अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, ऑल द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे हैव देयर पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड क्लीवेज साइट सो दैट दे विल एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर क्लीवेज साइट. उसकी वजह से ये डिजायर्ड पीस ऑफ DNA हमको मिला और यहाँ हमको मिला कट प्लाज्मिड DNA जहाँ पे ये क्लीवेज साइट जनरेट हुई है, ठीक है. अब इसको हम ट्रीट करेंगे विद द एंजाइम DNA ligase विच इज नथिंग बट द जॉइनिंग एंजाइम. उसकी वजह से हमको मिलेगा रिकॉम्बिनेंट DNA. अब ये रिकॉम्बिनेंट DNA में प्लाज्मिड DNA में भी है और इसमें अवर डिजायर्ड पीस ऑफ DNA या DNA ऑफ इंटरेस्ट भी है. नाउ विल इंट्रोड्यूस दीज रिकॉम्बिनेंट DNA और काइमेरिक DNA इनटू द होस्ट सेल. एक बार इसका इंट्रोडक्शन हो गया देन दिस इज नथिंग बट दिस अवर रिकॉम्बिनेंट DNA. दिस इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ E. coli, ठीक है. जब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा अलॉन्ग विद दी इट्स ओन प्रोटीन, E. coli विल एक्सप्रेस द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ऑल्सो, देन इसका मल्टीप्लीकेशन होगा एंड विल सिलेक्ट द पर्टिकुलर क्लोन विच विल प्रोड्यूस द रिकॉम्बिनेंट DNA. दिस इज नथिंग बट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द बेसिक वन. दिस प्रोसीजर विल बी फॉलोड इन होल यूनिट और इन द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. ओके, थैंक यू.